Hello guys, I am Hasnas and you are watching my channel. Today I am gonna tell you how you can install the iOS 14 developer beta version in your mobile phone now. And if you wanna watch this video in English, you can turn on the subtitles cause I am gonna make this video in Urdu and Hindi also. So, स्टार्ट करते हैं. एप्पल ने WWDC 2020 में अपने एक न्यू सॉफ्टवेयर iPad और iPhone के लिए लॉन्च की अनाउंसमेंट की है, जो कि इस फॉल में लॉन्च होने वाला है, जो कि है iOS 14, जिसकी लीक्स भी हमने Instagram पर और वैसे भी देखी होंगी. और वो सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन उसका डेवलपर बीटा वर्जन लॉन्च हो चुका है. और उसका मकसद ये है कि डेवलपर्स उस iOS को इंस्टॉल करें और उसमें जो बग्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट और फीडबैक करें. सो अगर आप iOS 14 को अभी से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में तरीकाकार बता दूंगा. यू कैन इंस्टॉल इजीली फ्रॉम देयर. एक छोटी सी बात, मैं अपने चैनल पर रिव्यूज़ और टेक की वीडियोस आपसे अपलोड किया करूंगा, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. और काफ़ी सारी वीडियोस अभी क्यू में हैं जो कि मैं एडिट कर रहा हूं, और इंशाल्लाह सून मैं उनको पब्लिश भी कर दूंगा. सबसे पहले तो मैं आपको एक वेबसाइट का बताता हूं. इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है. आप उस वेबसाइट पर अपने आईफोन से जाएंगे, आपको पीसी या मैक या लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ आप मोबाइल से ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. और उस लिंक पे आप अपने मोबाइल से जाएंगे तो वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा. लेट मी शो यू. यहाँ से जब वो आपको कहेगा इंस्टॉल, क्लिक ऑन इंस्टॉल, इस प्रोफाइल को इंस्टॉल करना है आपको अपने मोबाइल में. एंड ये iOS 14 का बीटा वर्जन डाउनलोड करने का प्रोफाइल है. इसको आपको अपनी सेटिंग में ऊपर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि न्यू प्रोफाइल इंस्टॉल्ड. और फिर आपने क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को रीबूट करना है, मतलब कि रीस्टार्ट करना है. आप शट डाउन करेंगे और उसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में जाना है और वहाँ से आपको चेक करना है कि आपको iOS 14 की अपडेट आई है कि नहीं. अब यहाँ पर कई लोगों की अपडेट नहीं आई होगी, उनका मोबाइल अप टू डेट शो होगा, तो उनको ये करना है, उनको अपना मोबाइल तब तक रीस्टार्ट करते रहना है जब तक कि वहाँ पर अपडेट का ऑप्शन ना शो हो. और मैंने दूसरी या तीसरी दफ़ा रीबूट किया था तो मेरा ऑप्शन ये शो हो चुका था. तो ये तकरीबन 3 से 4 GB की फ़ाइल है जिसको आपको डाउनलोड करना है. और मैंने तो इसको ओवरनाइट ही डाउनलोड पे लगा दिया हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरी रात में डाउनलोड होके खुद ही इंस्टॉल हो चुका था. सुबह तक मुझे iOS 14 रेडी मिल गया था, और इसके नए फीचर्स काफ़ी देखने वाले हैं. और आप लोगों ने इसके बारे में WWDC में देखा भी होगा, और अगर नहीं देखा तो आप अभी एप्पल के वेबसाइट पर जाकर इसके न्यू फीचर्स देख सकते हैं. जब आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन शो हो जाएगी तो फिर आपको इसको डाउनलोड कर लेना
किया है जिस पे आपके तकरीबन 2 से 3 घंटे, मुझे तो इसने शो किया, लेकिन अगर आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने के लिए, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसका इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, आपको आईफोन पे वाईफाई का होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता होगा आईफोन की अपडेट बगैर वाईफाई के डाउनलोड नहीं होती। और डाउनलोड करने के बाद आपको इसको ऐसा करना है, इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑन करके सो जाएंगे तो सुबह तक आपका आईफोन खुद ही iOS 14 पे अपडेट हो चुका होगा। और अब ये मेरा मोबाइल iOS 14 पर अपडेट हो चुका है। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बता दूंगा और आपका iOS 14 अपडेट हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। एक और चीज़ के इसमें जो एलिजिबल डिवाइसेज हैं iOS 14 के लिए, वो iPhone 6s और 6s प्लस से लेकर iPhone 11 Pro Max एंड सो ऑन। iOS 14 में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। iOS 14 का रिव्यू अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, आई विल डू डैट। इसके होम पेज पे अब ऐप्स उस तरह से अरेंज नहीं होंगी जैसे कि एप्पल ट्रेडिशनल होम पेज पे होती हैं, बल्कि एप्पल अब वैसे मैनेज करेगा जैसे कि ऑलमोस्ट एंड्रॉयड टाइप में होती हैं। मतलब आप होम पेज पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं और बाकी चीज़ें मेन ऐप्स पेज पे होंगी, और सर्च और काफ़ी माइनर सी और मेजर सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी अपडेट्स इसमें आई हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इंस्टॉलेशन में और कोई मदद चाहिए हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, गुड बाय।